जंगल में शेर खान घूमता है, उसके हुर्राने की दहाड़ वो भी सुनता है। तूने सच में तुम्हें वो बताया? और नहीं तो क्या? उसने कहा एक बड़ा। मेरा मोना, कितना इंतजार करवाओगी? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आ रहे हैं तो मुझे बताओ, वो राज बताओ। आज मेरा जन्मदिन है, आज मुझसे कुछ मत छुपाना। क्यों नहीं, हम अभी वापस आते हैं, आपका तोहफा लेकर रानी। बहुत भूख लगी है। चलो कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं। कोई ऐसा फल जो मीठा हो, रसीला हो। वाह वाह। नहीं, क्यों ना शहद खाया जाए। अरे नहीं नहीं, क्यों ना सबसे बड़ा और स्वादिष्ट आम खाया जाए। रंगू, वो आम मेरा है। पर अब तो मेरे कब्जे में है। ओह, पेड़ पर और आम भी नहीं बचे। रुक जाओ रंगू, आम चोर कहीं के। रुको, मैं भी आ रहा हूँ। माशा को ये बहुत अच्छा लगेगा। हकदार है वो इसकी, साल भर उसने मेरे खाने का इंतजाम जो किया। बोलो इससे कौन लेकर जाएगा? मैं नहीं, ये काम मैं करूंगी। शांत हो जाओ, तुम दोनों इससे लेकर जाओगी। रंगू, मैं कहता हूँ रुक जाओ। प्यारी माशा, इस साल तुम्हारा जन्मदिन का तोहफा उतना ही खास है जितने की तुम। बक बंद कर, तोहफा देते जल्दी। मुझे दे। अरे खींच रही है तू, इसे नीचे मत गिरा देना, समझी तू? बस बंद करो ये झगड़ा मेरा। चलो यहाँ आकर इस नारियल को खोलो। मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। और मैं भी नहीं थकने वाला बल्लू। जन्मदिन मुबारक हो माशा। चमकीली चीज लगी हुई थी, क्या थी वो? ओह, उस रंगू ने मेरा आम खराब कर दिया। ओ, भागने गया तुम्हारा आम, वो मेरा तोहफा उठा कर ले गया। खामोश। वो हरी मणि मेरे खजाने की सबसे अनमोल चीज थी, मुझे वो किसी भी हाल में चाहिए। इंसानी बच्चे, सूरज ढलने से पहले मुझे मेरी मणि चाहिए। तब तक माशा का जन्मदिन नहीं मनाया जाएगा। और बलू, तुम यहीं रुकोगे। अगर वक्त पर मणि वापस नहीं आई तो हश्र क्या होगा ये खुद सोच लो। घबराओ मत बलू, मैं जल्द से जल्द वापस लौटूंगा। रंगू, बात तो सुनो, तुम्हारे पास माशा का जन्मदिन का तोहफा है। किसे उल्लू बना रहे हो? भला आम किसी का तोहफा कैसे हो सकता है? थोड़ा सो लिया जाए। म
मुझे ये केले का पत्ता क्यों पकड़ा दिया? तुमने मेरे जन्मदिन का प्रोग्राम खराब किया, अब तुम्हारी सजा है मुझे दिन भर हवा देना। पर मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए चाहिए। पहले मणि चाहिए, फिर खाना मिलेगा, समझ में आया? सुनो जरा, कुछ फल लेकर आओ, मुझे भूख लगी है। और उसके बाद जंगल से और फल लेकर आना, ताकि रात का जश्न और मजेदार हो जाए। हेलो मोगली, चलो मिलकर कुछ खेले। अरे नहीं डाजी, मुझे भी रंगों को ढूंढना है। मतलब छुपन छुपाई खेल रहे हो? मैं भी उसे ढूंढती हूँ, चलो मेरे पीछे आओ जल्दी। तुम अभी नहीं खा सकते। हाँ, एक बार मेरी मणि मिल जाए उसके बाद मैं सोचूंगी। मुझे वो दिख गया, वो रहा। ये सबको क्या हो गया? सब के सब मेरे आम के पीछे पड़े हुए हैं। रुको, रुको ना। मैं नहीं रुकूंगा, मुझे एक जरूरी काम है। माफ करना मोगली, मैं उसे रोक नहीं पाई। नो टेंशन, मेरे पास एक आइडिया है। वो गुफा देख रही हो? माशा। क्या है? मीरा और मोना थक गए हैं, क्यों ना मैं उनकी मदद कर दूं? हाँ हाँ, वैसे कर सकते हो। पर जरूरत नहीं है। मेरे पीछे क्यों पड़ी है तू डार्जी? पर मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम्हें एक जगह बताऊँ जहाँ तुम ये आम शांति से खा सको। सच कह रही हो, तुम्हें मेरा आम नहीं चाहिए? हाँ, एक खामोश गुफा है, वहाँ तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। अब हाथ आए हो? छोड़ छोड़ दे जुल्मी, ये मेरा आम है, छोड़ छोड़। मुझे इस पर लगाम मरी चाहिए बस। रंगू, नीचे देखो। अरे नहीं, अब मिल गई तुम्हें शांति, हमारी लड़ाई में काम मुंह मार गया। अरे नहीं, सूरज ढल रहा है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। का उठो का, तुम सो नहीं सकते। किसने बोला, मैं तो पहले ही सो चुका हूँ, दफा हो जाओ। थोड़ा ऊपर। हाँ, क्या बात है। सूरज ढलने वाला है, मेरी मणि भी आने वाली होगी। आओ जी, क्या कर रहे हो, आराम से। पक्का मोगली, तुम ये करना ही चाहते हो? एक बार और मदद करो डार्जी, तुम्हें का को उठाना होगा और उसे पेड़ से दूर ले जाना होगा बस। ओह, ये काम है, ठीक है, करना तो पड़ेगा ही। ओ डार्जी, तू तो गई आज काम से। शुक्रिया का, वैसे भी फल तुम्हें हजम नहीं होते। पर ये वाला टेस्टी लग रहा था। समय पर मणि नहीं आई तो क्यों ना अब तुम्हें सजा दी जाए। रुक जाओ, मणि आ गई, वो भी सही सलामत। एकदम सही वक्त पर आए हो मोगली। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारा भी शुक्रिया डार्जी, मोगली की मदद करने के लिए। अब तो सब ठीक है ना बलू?
नहीं मोगली, पेट में अब भी चूहे दौड़ रहे हैं। मेरे भी। फलों की चोरी कर रहे हो? दरअसल वो हम क्या कहा, चोरी हमने नहीं की, वो हमने सोचा कि कोई बात नहीं, आज मेरा जन्मदिन।